पन्ना जिले में जंगली जानवरों के शिकार के मामले आए दिन सामने आ रहे हैं। पन्ना के जंगलों से सटे गांव में इस तरह के मामले ज्यादा आ रहे हैं। ताजा मामला पन्ना के उत्तर वन मंडल से सामने आया, जहां पर ग्राम मथुरा नगर में मुखबिर की सूचना पर वन विभाग ने दबिश देते हुए एक व्यक्ति के घर से सुअर का मांस बरामद किया। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि उन्हें सूचना मिली थी कि मथुरापुर ग्राम में एक आदिवासी के घर पे जंगली सुअर के मांस का गोश्त बनाया जा रहा है, जिसके बाद वन अमले ने आरोपी सहित मांस बरामद किया। वहीं वन अपराध अधिनियम के तहत कार्रवाई भी की गई। इसे पूछ सकते हैं सर थोड़ा सा? पहले पूछ लीजिएगा अभी डायरेक्ट। हमें मुखबिर की सूचना मिली थी 11:30 बजे करीबन कि मथुरापुर गांव में एक जंगली सुअर का शिकार हुआ है और अर्जुन आदिवासी ने किया है उसका शिकार। तो हम अपनी टीम को तैयार करके और तत्काल यहाँ से रवाना हो गए थे। चूँकि रास्ता ख़राब है तो ऊबड़ खाबड़ रास्ता से गुजरते गुजरते हमने करीबन 12:30 बजे हम ग्राम मथुरापुर पहुँचे। मथुरापुर में जाके हमने गांव को घेरा, पूरा स्टाफ लगाया कि कहीं ऐसा ना हो कि आरोपी की खबर लग जाए और वो भाग जाए। तो गांव को घेर कर फिर आरोपी के का जो घर था उसको निश्चित किया और अब आरोपी के घर पर पहुँचे। तो जैसे घर पर पहुँचे तो वो आंगन में अपने चूल्हा रखे था और चूल्हा में रख के डेगची में सुअर का मांस पका रहा था। तो मांस पकाते ही उसको पकड़ लिया गया, पूछताछ की गई और उसमें दो डेगची मिली हैं। एक तो डेगची वो है जिसमें 2.5 किलो करीबन सुअर का मांस है, वो पक गया था और दूसरी को जो पकाने वाला था तो एक डेगची और थी तो उसमें कच्चा सुअर। कितना बड़ा अपराध है सर जी ये? चूँकि वाइल्ड लाइफ से जुड़ा मामला है, ये विलुप्त प्रजाति का वो है और अनुसूची 3 के अंतर्गत ये वन्य प्राणी हैं और वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धाराओं के तहत ये अपराध है। हाँ, इसके संबंध में आपको अवगत कराना चाहूँगा। आज प्रातःकाल 9 बजे मेरे को सूचना प्राप्त हुई कि पन्ना परिषद के अंतर्गत ग्राम मथुरापुर में अर्जुन आदिवासी ने सुअर का शिकार किया है और उसका जो मांस उसके घर में रखा हुआ है। तो मैंने मुखबिर से चर्चा की कि भी मथुरापुर में कहाँ रखा हुआ है। तो मुखबिर द्वारा बताया गया मथुरापुर 2 भागों में बटा हुआ है, मथुरापुर पूर्व और मथुरापुर पश्चिम। तो मथुरापुर पूर्व जो भाग है वो छोटा है और उसके द्वारा यही बताया गया कि जिस घर में मांस रखा गया है वो गार्डन उस वो सीमेंटेड मकान है और साथ में जो है नीले रंग का पुता हुआ है। मेरे द्वारा इस घटना को संज्ञान में लेते हुए इसमें FD महोदय श्री KS भदौरिया साहब PTR पन्ना से चर्चा की गई और फिर PTR और पन्ना परिक्षेत्र का संयुक्त दल का गठन किया गया। संयुक्त दल के गठन के उपरांत परिक्षेत्र अधिकारी पन्ना एवं PTR के परिक्षेत्र अधिकारी दोनों ने संयुक्त रूप से गए और इसमें श्री KS भदौरिया साहब ने हमको जो है डॉग स्क्वाड भी उपलब्ध कराया, तो काफ़ी उनका सराहनीय सहयोग रहा। और इसमें जब ये लोग घटना के लिए गए वहाँ पर कार्रवाई करने के लिए, तो ये घटनाक्रम से अर्जुन आदिवासी नाम के व्यक्ति ने सुअर का शिकार किया था और वो मांस अपने घर में लाया था। कहाँ की घटना है सर जी? ये घटना मथुरापुर की घटना है और ये बीट जो है मथुरापुर बीट लगती है जो कि पन्ना परिषद के अंतर्गत आता है। जब इन्होंने वहाँ पर कार्रवाई की तो ग्रामवासी काफ़ी संख्या में एकत्रित हो गए थे और उन्होंने हमारे वन अमले को घेरने की कोशिश की, किंतु ये मैं वन अमले को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे FD साहब ने जो निर्देश दिए थे और हमारा जो संयुक्त रूप से जो जिस प्रकार की कार्ययोजना बनाई गई थी उस पर इन्होंने प्रभावी अमल किया और न केवल अपराधी को पकड़ा और उसको जो लेकर के पन्ना